आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर इसके बाद धरती मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके शौच आदि से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए, ध्यान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो आज भगवान जी बहुत कृपा किए हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी को करते हैं प्रणाम और निकल जाते हैं स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर। तो अब आगे चलकर देखते हैं कि माता जी अपना तट कहाँ पर रोकी हैं और कहाँ पर जल का स्तर है, कैसे नहाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। माता जी को करते हैं प्रणाम और फिर उसके बाद गंगा मैया जी में डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवा के भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम और वहाँ पर हम लोग बैठकर सबसे पहले करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और इसके बाद लगाते हैं सोने मुद्रा। और अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो अब हम लोग मिलकर अपने शरीर की करते हैं स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करते हुए, आपस में बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं इतना ही करना है। ये जो है आपके घुटने के 90 डिग्री पर, ठीक है ना, ऐसे जब बैठे ऐसे करके, ठीक है। हाँ करिए, सब लोग करिए, कमर को सीधा करिए। हाँ ठीक है, किनका उठने मन कर रहा है भाई? अरे जी, उठने मन कर रहा है? मैं उठ के लिए हरिओम। फिलहाल मैं बैठा नहीं था, कल भी बहुत तेज हो गया, पूरा पसीना पसीना हो रहा। क्या था मैंने नहीं देखा था तुम्हें? लगाया
थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हो गया, किधर जा सकते देखिएगा इधर। हाँ एकदम सही, पूरा परफेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन तक सीधे जा रहे हैं ना। चलिए अब लगाया जाए, तुम बहुत कर दिए हैं तो पूरा कर दो, थोड़े ठीक है ना। ऐसे भी जाऊँगा ना कि हम लोग बारिश के कारण रोक दिए, हम लोग के कारण से बारिश रुकनी चाहिए। हाँ जो भी रुपये और भी लगाएगा धीरे जी करिए, मैं आपको देख रहा हूँ। धीरे जी का भी उसका आसान लगता है, जैसे जैसे बारिश की चीज बढ़ेगी अपने शरीर से दूसरे दुश्मनी दूसरे शरीर से थे, यही है हमारे जीवन का मूल उद्देश्य। एक बार जब आपकी शरीर बन जाए, जितने लोग हैं सबसे एक बार शरीर बन जाएगी ना, आप खुद ही नहीं रुकेंगे, जानते कि नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप खुद हमारी शरीर बिगड़ जाएगा। इतना मेहनत क्यों किया? हाँ ठीक है, वो मेहनत आपका भी बहुत बहुत बढ़िया हो गया, पेट अंदर हो गया। चलिए भाई ये किया जाए, जो भी कर रहा है शरीर को स्ट्रेच किया जाए, डायमंड लगा दें हीरा लगा के हीरा बन जाना है ना, हीरा से हीरा बनना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पाँव फिसलेगा कमर की चोट लग सकती है, नहीं होगा तो जरूरी नहीं। पाँव फिसल रहा है ना, फिसल जरूरी नहीं। चलिए आइए एक हाथ से ये भी बोल रहे थे हमको बारिश हो रही है, तेज हो रही है। दोनों इसने मैं इसलिए बोला था कि आप देखो मत, तो चलने की कोई दिक्कत नहीं होगी। बारिश भी होगी ना तो भी उसके साथ साफ किया जाएगा, जब हर मौसम साफ करते हैं, बारिश साफ क्यों नहीं? अच्छा लगता है, इच्छा शक्ति है ना जीवन में, यही हमको देखिए आप पढ़ रहे हो कितने ब्रिलियंट, ये मान ही नहीं तक आप जाएंगे आपकी इच्छा शक्ति कितनी चल रहा है, यही आपको टिका के रखी थी जगह पर फिर नहीं कि अभी अब आप देख रहे हैं ना आज जुड़े कम है जिन्हें कितने दिख रहे हैं ना, ये इच्छा शक्ति क्या है। चलिए आइए, जब मैं फ़ोन किया तो उसे एक बार बोले थी हाँ मैं आ रहा हूँ, मतलब हाँ बारिश हो रही है।
बड़ाई के लिए क्या करें। कल हम सुबह 12 बजे सोने की जानते हैं, कल 12 बजे मन आपका कार्यकर्ता वही मेरा मन से ना उसमें नियंत्रण कितना उसको मैंने बस वही मन का कार्य यही है जो आगे कर रहा वही हमारा बस ये आप उसको मान लेते हैं बस हम तो उसको मना लेते हैं हम उसको मना लेते हैं वही बात नहीं नहीं एक बार और लगा लिया जाए यार हो गया था देखिए आ जाइए राष्ट्र से बड़ा न कोई माता है न कोई पिता है न कोई धर्म जहाँ राष्ट्र की बात आती है धर्म होना चाहिए बस राष्ट्र उसमें आपने कोई नियम काम में नहीं आने चाहिए अभी अगर करेंगे तो उठ जाएंगे उठने वाली बात नहीं अगर जब दूसरी बात आती है ना हम कानून का सहारा लेते हैं नहीं ये प्रावधान ये लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है क्या कहते हैं काट देंगे सीधे तो आज प्रावधान कहाँ गया अपनी जो बहन थी अपनी ही थी अब बताइए उसके लिए क्या करना चाहिए कोई प्रावधान नहीं एक ही प्रावधान सीधे उसका एकदम बीच चौराहे पे हत्या होनी चाहिए वो भी ऐसी होनी चाहिए ना कि पूरे भारत पूरे विश्व में देख के लगे भारत में अगर कोई ऐसे करता है उसका जिस प्रकार से होता कोई करेगा ही नहीं अगर वो जानते हैं अगर नशे में भी अगर कदम आगे बढ़ाएगा ना तो उसकी कदम पीछे आ जाएगी क्यों नहीं करते हैं करना चाहिए ऐसा भी लोकतंत्र के गुलाम हम नहीं हो गए कि इस चीज़ हम नहीं करते देखना पड़ता है आप सोचिए कि क्या गुजरी होगी उसके ऊपर 90 डिग्री वो जो पैर 90 डिग्री उंगली एक बार हम कहते हैं एक उंगली फोल्ड करिए क्या दर्द होगा जब हम लोग इस प्रकार जो संगठित होंगे अगर ऐसा कोई भी अत्याचार देंगे सीधे एक्शन लेंगे बात जो होगा देखा जाएगा जरूर यही हम बोलते हैं अगर आपके अंदर रहा ना भैया कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव जो है इफेक्ट लाएगा आज दोनों पैर उछाल चला जाएगा वो मेघक वाला दिन हो गया अभी किया जाएगा उसके बरसात हो रही है खिलना लो नहीं सर आगे होगा कहीं नाक पड़ गई तो समझिए गिर गया फिर पनाखा बनेंगे हम चले गुरु जी हाँ आइए
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कुटिया में पहुंच करके खाते हैं भीगे हुए चने और मूंगफली, और फिर इसके बाद बनाते हैं भोजन। तो भोजन में दाल, रोटी, चावल और आलू की भुजिया, इसको ग्रहण करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।